किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में कार्यरत हूं और मैं आज एक विशेष कीट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जो कि सोयाबीन के अतिरिक्त और कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है और काफ़ी व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम इसे ग्लोबल इंसेक्ट भी कहते हैं, विश्वव्यापी कीट भी कहते हैं और इसका नाम है फली छेदक। मूल रूप से ये चने की इल्ली होती है, चने को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ा है। लेकिन अब ये चूंकि बहुत सारी फसलों को पहुंचाती है और इसमें बहुत तरह के कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न हो गई है, इसलिए इसका उपचार या इसका नियंत्रण करना किसी एक विधि से संभव नहीं होता है। इसके लिए हमें कई विधियाँ अपनानी पड़ेंगी, कुछ जैविक हैं और कुछ रासायनिक विधियाँ हैं, उनको अपनाने पड़ेगा हमें, और जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे एक अच्छी बात तो इस कीट के लिए यह है कि इसके लिए हमारे पास में एक जैविक कीटनाशक न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस NPV ये उपलब्ध है, जो कि इस विशेष जाति की इल्लियों को मारता है। इसका फायदा लेने के लिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इल्लियाँ छोटी अवस्था में होती हैं तभी इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, और इसकी मात्रा होती है 250 LE प्रति हेक्टेयर। बाज़ार में 125 और 250 ml के पैकिंग में आता है ये, तो 250 LE का एक डब्बा 500 लीटर पानी में घोल के छिड़क दें या 125 ml के दो डब्बे 500 लीटर पानी में घोल कर एक हेक्टेयर में छिड़क दें, तो इस इल्ली का शुरुआत की अवस्था में ही नियंत्रण हो जाता है। जब तक फलियां नहीं आती है तो ये इल्ली पत्तियों को और फूलों को भी नुकसान पहुँचाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको शुरुआत की अवस्था में ही नियंत्रित कर लिया जाए। जैसे जैसे फलियां आने की प्रक्रिया शुरू होती है, इल्लियां भी बढ़ती जाती हैं साथ साथ में, तब ये छोटी छोटी फलियों को काट के खाती है, और जब दाना भरने लगता है तो ये जहाँ पर फली में दाना लगा रहता है वहाँ से फली के आवरण को खाकर अंदर से दाना खा जाती है। इसके परिणामस्वरूप आपने देखा होगा कि कई फलियों में छेद हो जाते हैं और अंदर से दाना क्षतिग्रस्त हो जाता है, और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये इल्ली पूरी की पूरी फली के अंदर नहीं घुस जाती है, आधा शरीर इसका बाहर रहता है और आधा शरीर इसका अंदर रह के दाने को खाता रहता है। तो NPV का उपयोग करने से बहुत फ़ायदा होता है और इसको जितनी जल्दी नियंत्रित कर लिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। जब इल्लियाँ बड़ी हो जाती हैं तो फिर हमको रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, और रासायनिक कीटनाशकों में कुछ मैं आपको बताता हूँ। फ्लूबेंडियामाइड है, फ्लूबेंडियामाइड के भी दो प्रकार आते हैं, एक 20WG के नाम से आता है जिसमें 20% वेटेबल ग्रेन्यूल होते हैं, उसकी 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और या फिर फ्लूबेंडियामाइड का दूसरा एक फॉर्मूलेशन है 39.35 SC, इसका 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इसको डालेंगे तो इस कीट का, इस इल्ली का नियंत्रण हो सकेगा। इसके अलावा और भी दूसरे कुछ कीटनाशक हैं, जैसे इंडोक्साकार्प का भी प्रयोग किया जा सकता है इसमें, और कुछ कॉम्बिनेशन के कीटनाशक आए जिसमें दो तरह की दवाई मिली है, उसमें एक है बीटा साइफ्लुथिन और इमिडाक्लोप्रिड, इनका 350 ml प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने से फ़ायदा हो सकता है, और दूसरा एक कॉम्बिनेशन का कीटनाशक है जिसमें थायमेथोक्सम और लेमडा साइफ्लुथिन दवाइयाँ मिली हैं, यानी कि एक संपर्क विष है और एक संवहन विष है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। तो इसकी थायमेथोक्सम और लेमडा साइफ्लुथिन की जो मिश्रित कीटनाशक है उसकी 125 ml प्रति हेक्टेयर सोयाबीन में इस कीट को नियंत्रण करने के लिए काफ़ी लाभकर हो सकती है। तो किसान भाइयों, पहले शुरुआत करें आप NPV से या जैविक कीटनाशक से, छोटी इल्लियाँ होती हैं उनको कंट्रोल कीजिए, फिर अगर इल्लियाँ बढ़ जाती हैं तब रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें, तो आपको लंबे समय तक इनका नियंत्रण हो सकेगा। धन्यवाद।